नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका राम रूप शर्मा चैनल पर। मैं हूँ राम रूप शर्मा और यहाँ पर मैं जो वीडियो लेके आया हूँ, पिछली वीडियो का ही सेकंड पार्ट है। यानी कि पिछली वीडियो मैंने जो बनाई थी मूविंग टू टेंथ या मूविंग टू नाइन्थ वाले बच्चों के लिए, रोड मैप, बड़े आपका जो टारगेट है, बड़ा जो आपका फ्यूचर प्लान है, उसके लिए रोड मैप बनाने के लिए मैंने दो वीडियो लगातार बनाई है। तो ये उसका सेकेंड पार्ट है और रोड मैप पार्ट टू है ये, ठीक है ना। जैसे आपने देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ, यानी कि अगर आप आईआईटी या नीट या टॉपर बनना चाहते हैं या अच्छी स्टडी करना चाहते हैं, वैल्यू वाली स्टडी करना चाहते हैं, तो मेरे साथ जरूर जुड़े। प्रिपरेशन प्लान मैं आपको बता रहा हूँ, अनअकैडमी के साथ बहुत ही अच्छा प्लान आपका बन सकता है, बहुत ही सस्ता बन सकता है। मेरा कोड जरूर यूज कर लेंगे, जब आप प्लस लेंगे तो 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन आप जरूर ले लें, ठीक है ना, मेरे कोड के साथ में, और आपका ये प्लान बहुत आसानी से एग्जीक्यूट हो जाएगा। थोड़ा सा प्लान मैंने आपके सामने यहाँ पर रख रहा हूँ कि मैं पहला जो राउंड लेने वाला हूँ वो राउंड 1, इससे पहली वीडियो मैंने बता दी है, 4 राउंड है, ठीक है ना, पूरे यानी कि आपके जो सेशन है आपका उसमें 4 राउंड है। तो पहले राउंड में अप्रैल से जुलाई का जो राउंड है, जिसका नाम मैंने फर्स्ट राउंड दिया है, ठीक है ना, तो अप्रैल मंथ में आप इस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। एपी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, टिगो और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये बहुत सोच समझ के बनाए हुए चैप्टर है। बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप चैप्टर 1 से स्टार्ट करें, वो थोड़ा सा या तो काफी आसान है, एलसीएम एचसीएफ है, या फिर काफी जो है थोड़ा सा बोरिंग सा लगने लगता है बच्चों को। तो ऐसे टॉपिक से शुरुआत ना करें, इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव टॉपिक से शुरुआत करें, जैसे एपी और कोऑर्डिनेट से मैंने यहाँ पर शुरुआत की है। ट्रिगो को स्टार्टिंग में इसलिए रखा है क्योंकि ट्रिगो के साथ में कम से कम 3 राउंड लगाने बहुत जरूरी है, ठीक है ना। मई मंथ के लिए आप लीनियर इक्वेशन, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी और स्टैट ले सकते हैं। जून में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सर्कल, ट्राइंगल और कंस्ट्रक्शन ले सकते हैं, और जुलाई में आप रियल नंबर, पॉलिनोमियल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल ले सकते हैं। ये मैंने बनाया है, आप अपने तरीके से भी इसे चेंज कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। मतलब मेरा मतलब यही है कि क्रिएटिव और वैल्यूबल और ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर पहले करें, ताकि उन्हें रिवाइज करने के लिए आपके पास पूरा टाइम बना रहे और आप मोटिवेट अपने आप होंगे। मोटिवेशन का मतलब भाई पढ़ाई का अच्छा तरीका है सबसे बढ़िया, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको पहले राउंड का रोड मैप दिया है। अगली वीडियो जो है, मैं सेकंड राउंड कैसे करेंगे, थर्ड राउंड कैसे करेंगे, उसका पूरा रोड मैप दूंगा। मेरे कोड से आप अनअकैडमी पर आ जाइए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। ध्यान रखना है, इट इंक्लूड कंप्लीट एनसीईआरटी और टेक्स्ट बुक, जो भी आपकी टेक्स्ट बुक है, कोई भी बोर्ड हो, एज वेल एज 10 क्वेश्चंस रिलेटेड। और ध्यान रखना है, इस राउंड में आपको कम से कम 10 क्वेश्चन, ज्यादा भी नहीं, 10 क्वेश्चन है ना, रिलेटेड 10 क्वेश्चन करने। तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपका जो प्लान है वो एग्जीक्यूट होगा। वीडियो को शेयर करते रहे, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।